अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बट कढ़ाई की रेसिपी, और ये लक्ष्मी चौक वाली बट कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी है जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से इस कढ़ाई का टेस्ट जो है वो लक्ष्मी चौक वाली कढ़ाई जैसा ही लगेगा आपको इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत आसान है, ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो बट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है जी चिकन, जो कि मेरे पास 750 ग्राम के बराबर है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही मैंने प्याज और अदरक लहसुन की भी कटिंग शटिंग कर ली है। तो चलिए जल्दी से इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे जी चिकन। चिकन के बाद जी इसमें दो लार्ज साइज के मैंने प्याज ली थी जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये डाल देंगे। उसके बाद जी दो लार्ज साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी स्लाइस में काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसमें अभी अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, वो तब डालना है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। फिर इसमें ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद जी इसमें जाएगा 2 ग्लास पानी। मैं क्योंकि प्रेशर में कुक नहीं कर रही, कढ़ाई में कुक कर रही हूँ, तो मैंने 2 ग्लास पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बस हम लोग कवर लगाकर फिर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब आपने इसका कवर हटाना है ना, तो जितना पानी रह जाएगा वो आपने इसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है सारा पानी, क्योंकि चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने बस इसको 15 मिनट के लिए ही कवर करके छोड़ा था। अच्छा जी, पानी ड्राई करने के दौरान आपने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है जी सौंफ का पाउडर। सौंफ को क्रश करके आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये मैंने इसमें ऐड किया है जी 1 टीस्पून। इसकी वजह से आपकी जो बट कढ़ाई का टेस्ट है ना वो बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो इसमें हम 1/2 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें सिर्फ 1/2 कप ही मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि आगे चलकर इसमें बटर भी ऐड करेंगे, तो इसीलिए ऑयल बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना आपने। अच्छा जी, अब इसके ऑयल के साथ हम करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से, और भुनाई करने के दौरान इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब आप देखें जी, सारे मसाले जो है ना वो घर के ही हैं, लेकिन क्या है कि इसका टेस्ट डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि सारे मसाले जो है ना वो आगे पीछे ऐड करने से कौन सा मसाला कब ऐड करना है, बस यही एक ट्रिक होती है जिसकी वजह से हमारी जो कढ़ाई है या रेसिपी कोई भी हो उसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तब इसमें जाएगा जी 1/2 कप के बराबर दही। दही के साथ अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद जी इसमें जाएगा बटर, और बटर मैंने यहाँ ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून। और बटर ऐड करने से आप यकीन माने कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मजे का टेस्ट बन जाता है। उसके बाद ही बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटी हुई ऐड की थी, और साथ ही इसमें जाएगा जी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और फिर जाएगा जी इसमें ताजा ताजा हरा धनिया जो कि हमारी कढ़ाई को बनाएगा खूबसूरत। अच्छा जी, अब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी अदरक हमने कहाँ ऐड करना है, तो बिल्कुल लास्ट में इसमें जाएगा अदरक। अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं की, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसमें अदरक ऐड किया है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा जी, इसमें जो मैंने सौंफ ऐड की थी, सौंफ का पाउडर जो मैंने फर्स्ट में ऐड किया था, और लास्ट में जो मैंने अदरक ऐड किया है ना, आप यकीन माने इससे जो कढ़ाई का टेस्ट है ना वो इतना शानदार हो जाएगा, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लक्ष्मी चौक वाली बट कढ़ाई ही खा रहे हैं। अच्छा जी, अदरक ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट ओनली दम के लिए छोड़ देना है, दम पर रख देना है, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ हमारी मजेदार बट कढ़ाई, बट चिकन कढ़ाई तैयार है। सर्विंग करते हुए आपने इसमें जूलियन कट अदरक ऐड कर देना है, जो कि बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई में। तो होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको बताई है, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हुए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।